बच्चों, जैसा आप जानते ही हो, हम अपने छठे पाठ लुई ब्रेल के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने भाषा से के अंतर्गत जो व्याकरण का भाग है उसके कुछ प्रश्न किए थे। मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था होमवर्क में, प्रश्न 5 का दूसरा भाग मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो भाषा से प्रश्न 5 का दूसरा होमवर्क, र हमने देखा था, र दूध हिंदी में दो भिन्न तरीकों से लिखा जाता है और उसका पहला भाग हमने आपको करवाया था। आपको याद होगा कार्यशाला, वर्ष, स्पर्श और दुर्घटना। तो हमने देखा इसमें वर्ण के ऊपर लग के आता है और इसका उच्चारण जिस वर्ण के ऊपर लिखा होता है या लगा होता है उससे पहले आता है। तो हम लोग इसका दूसरा भाग जो गृह कार्य दिया था उसको देखते हैं। एक बार पांचवें प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है भाषा से के अंतर्गत है। हम जानते ही हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न भाषा से के अंतर्गत आते हैं वे उनका संबंध हिंदी व्याकरण से। इसका प्रश्न संख्या 5 हमने क्या क्या लिखा था, ऊपर लगने वाला र से बनने वाले शब्द ये था। हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, कार्यशाला पहला शब्द था, कार्यशाला दूसरा शब्द था हमारा, वर्ष तीसरा शब्द था, हमने कभी इसको कर रखा है, तीसरा शब्द हमारा है स्पर्श और दुर्घटना। तीसरा है स्पर्श, आधा स पूरा प और र शब्द के ऊपर लिखा जाए और हमारा अंतिम है दुर्घटना। दुर्घटना इसमें क्या किया हमने, हमने देखा, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। र अन्य दो तरह से और लिखा जाता है, एक जैसा कि ऊपर लगता है किसी वर्ण के, एक ऐसा होता है कि किसी वर्ण के ऊपर लगता है, ये वर्ण के ऊपर लगता है तथा इसका उच्चारण उस वर्ण से पहले आता है। दूसरा है वर्ण के नीचे लगता है, ये वर्ण के नीचे लगता है और इसका उच्चारण उस वर्ण के बाद में आता है, ये दोनों का अंतर। तो इसका उदाहरण मैंने आपको गृह कार्य दिया था और इसके साथ हम जानते हैं हमें अपने पाठ से ही चुन के लिखते हैं। हमारे छठे पाठ लुई ब्रेल पाठ से ही हमें छांट के लिखने थे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रेल। ब्रेल में र जो है ब के नीचे, ब के बाद में उसका उच्चारण है। तो हम पहला शब्द हमारा है ब्रेल, दूसरे शब्द पे चलते हैं। ध्यान देना वाली बात है बच्चों की, इसमें सबसे पहले हम बे का उच्चारण पढ़ रहे हैं, उसके बाद र की वाली है। तो सबसे पहले हम उस वर्ण का उच्चारण पर ही पढ़ेंगे मात्रा के साथ, उसके बाद र का उच्चारण आएगा। और इसमें क्या था, इसमें हम पहले र को पढ़ेंगे उसके बाद उसके नीचे वाला जो वर्ण है उसका उच्चारण आता है, ये दोनों में अंतर है।
तो ये पहला हो गया ब्रेल, इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले बे, बे का उच्चारण आएगा उसके बाद रत आएगा, बे, जब ध्यान से सुनो इसको, बे फिर र बोलेंगे तो ब्रेन, 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 फिर से एक बार ब्रे ल। तो हमने देखा र का उच्चारण जो वर्ण है ब और ए की मात्रा के बाद में आया, ध्यान देने वाली बात, और इसमें पहले हम का पढ़ रहे हैं, क में आ की मात्रा का, फिर र पढ़े कार्य, अब उसके बाद में शाला। तो ये जो र दो तरह से लिखा जाता है उसका उच्चारण कैसे किया जाता है ये सबसे जरूरी बात। तो ये हमने देखा, उसी तरह पाठ में आया है कुपरे, ये फ्रांस का एक गांव है जो पेरिस से करीब 25 मील दूर है। तो कुपरे गांव का नाम है कुपरे, हम लोग देखते हैं में र है, अब इसमें ध्यान दो तुम, क में बड़ा की मात्रा कु, और हम लोग पे पहले प और ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आखिरी में र पढ़ रहे हैं, ये ध्यान देने वाली चीज है। पहले हमने कु पढ़ा, क में बड़ा उ की मात्रा कु, बाद में प पे ए की मात्रा पे, फिर र, कुपरे, कुपरे। उसी तरह तीसरा शब्द है प्रसाद, प्र सा, आपने जरूर यह गृह कार्य किया होगा, ये पाठ में हमारे ये चार शब्द हैं। प्रसार, प्रसार का अर्थ होता है सब जगह फैलना, जैसे ब्रेल लिपि का पूरे संसार में प्रसार हुआ, प्रसार मतलब फैलाव। अगर COVID-19 बीमारी के हिसाब से कहेंगे तो इसका भी पूरे संसार में प्रसार हो गया, फैलाव। प्रसार का क्या अर्थ होता है, फैलना। अगला है प्रयोग, ये नया शब्द नहीं है, आप जानते ही, प के बाद र, प्र योग, प्रयोग मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। तो ये आज हमने र जो वर्ण है ये दो तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, जो पारंपरिक जो तरह है वो तो र रेखा ही है, ये तो र है ही, ये र वर्ण तो है ही है, इसके अलावा भी इन दो तरीके से लिखा जाता है। तो आज हम जान गए इसको लिखने का तरीका, इसका उच्चारण, इसको पढ़ा कैसे जाता है। एक बार फिर से ध्यान दो बच्चों, जो ये ऊपर वाला र लगता है ये पहले पढ़ा जाता है जिस वर्ण के ऊपर लिखता है। तो यहाँ पे हमने देखा कार्यशाला में जो य है, य से पहले इसका उच्चारण होना चाहिए। अगले में वर्ष पे चलते हैं, तो श, श से पहले वर्ष, वर्ष, स्पर्श, इसको कैसे पढ़ रहे हैं, आधा स है इसीलिए इसके जरा उच्चारण देखें, और ए पीछे श है, श, ए स है, श, स, श, स्पर्श, स्पर्श, तो र का उच्चारण श से पहले आया। उसी तरह दुर्घटना, घ से पहले र आया, दुर्घटना, दुर्घटना का अर्थ है बुरी घटना। अब हम अपने छठे प्रश्न में आ जाएंगे, इसको आपने समझ लिया कि पहला जो वर्ण पढ़ते हैं, वर्ण के बाद उसकी मात्रा पढ़ी जाती है, फिर र पढ़ा जाता है, र अंतिम में पढ़ा जाता है उस वर्ण, जैसे इसमें हमने
जिस वर्ण के ऊपर ये र होता है उसको सबसे पहले र को पढ़ा जाता है। इसमें ठीक उल्टा होता है, पहले वर्ण पढ़ेंगे, फिर उसकी मात्रा पढ़ेंगे, फिर जाके र पढ़ेंगे। तो ये अब मेरे ख्याल से सबको अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम अपने छठे प्रश्न पे चलेंगे। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ हैं, इन शब्दों का अलग अलग अर्थ में वाक्य में प्रयोग करो। तो विधि, शब्दों के दो दो अर्थ हैं, वर्तनी एक जैसे, वर्तनी में कोई अंतर नहीं, उच्चारण में कोई अंतर नहीं, अर्थ अलग अलग। तो हमें अलग अलग वाक्य बनाने हैं जिससे कि दोनों अर्थ हमें स्पष्ट हो जाए। फिर से ज़रा ध्यान से इसको सुनो। ये जो शब्द दिए गए हैं, जैसे विधि, विधि के दो अर्थ होते हैं, और हमें ऐसा वाक्य बनाने हैं, ऐसे दो वाक्य बनाने हैं जिससे कि उसका जो अर्थ है, विधि के दो अर्थ हैं, दोनों अर्थ स्पष्ट हो जाए। और हमें अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, हमें अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, वाक्य बनाना है शब्द का, जो शब्द है विधि। अब हम लोग इनके वाक्य की रचना करते हैं। विधि का दो अर्थ है तरीका और ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं, पुराणों में कहा जाता है कि पृथ्वी की रचना, इस संसार की रचना ब्रह्मा ने की, ठीक है। तो इसी इस ब्रह्मा का अर्थ है ईश्वर, ब्रह्मा ने संसार की रचना की। और दूसरा है विधि तरीका। हम लोग नहीं, कभी कोई खाना बनाता है तो कहता है कि इसकी रेसिपी भेज देना, ये कैसे बनती है इसकी मुझे विधि बता देना, तरीका। तो इन दोनों को हम लोग करते हैं। ये है प्रश्न छठा। प्रश्न है छठा, इसका पहला है क विधि। शब्द है इसके दो वाक्य बनाने हैं। जैसे विधि मतलब तरीका, विधि का क्या अर्थ होता है तरीका। हम कहेंगे चाय बनाने की विधि बहुत आसान है, तो तरीका। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तरीका की बात कर रहे हैं। चाय बनाने की विधि बहुत सरल है, आसान है, हम लोग बोल सकते हैं विधि का अर्थ होता है तरीका। तो लिख भी देते हैं, और आप लोग भी साथ साथ जब वीडियो देखें तो अपने बुक को साथ में रखें, पेंसिल को भी रेडी रखें, ताकि आप साथ साथ काम कर सकें, उसे आपको समझने में भी आसानी होगी। नहीं तो क्या, कुछ बच्चे दो दिन बात करते हैं फिर उनको फिर समझ नहीं आता। तो एक आपको एक बड़ी अच्छी विधि बताता हूँ ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ने का, कि आप अपनी पेंसिल और पाठ्य पुस्तक, खासकर वो प्रश्न जो हमारे पाठ्य पुस्तक में किए जाते हैं, जगह बना होता है, वो हम करेंगे। तो चलते हैं, ये है चाय बनाने की विधि, लिखते हैं चाय बनाने की विधि। बहुत सरल है, बहुत आसान है,
तो यहाँ जब हम इस विधि की बात कर रहे हैं, यहाँ तरीका बोला गया है। यहाँ पे जब हम विधि बता रहे हैं तो तरीका के बारे में होता है। अब है दूसरा अर्थ है ब्रह्मा। मैंने आपको बताया था ब्रह्मा कहा जाता है पुराणों में कि ब्रह्मा ने ही संसार की रचना की। तो हम लिखेंगे विधि ने ही संसार की रचना की। ये पुराणों में पौराणिक ग्रंथों में ये बात कही गई है कि संसार की रचना ब्रह्मा ने ही की है। तो हम लिख देते हैं विधि ने ही, विधि ने ही संसार की रचना की है। संसार की संसार की रचना कार्य भी हम लिख सकते हैं और वाक्य को छोटा करने के लिए हम लोग कह सकते हैं संसार के रचनाकार भी। के रचना, रचनाकार होता है निर्माणकार, रचना का जैसे मूर्तिकार आपने सुना होगा जो मूर्तियों की रचना करता है, तो संसार के रचनाकार हैं। ये बहुवचन सम्मान देने के हैं, हम क्यों लगा रहे हैं बहुवचन क्यों करते हैं, सम्मान देने के। ईश्वर अपने से बड़े लोगों को, माता पिता, गुरु, ईश्वर, इन सब के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। चाय बनाने की विधि बहुत सरल है। यहाँ पे विधि का अर्थ है तरीका। आप जानते हैं चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी रखा जाता है, चाय पत्ती डाली जाती है और दूध, चीनी, ये तरीका होता है। तो ये यहाँ पे तरीके के रूप में जो पहला वाक्य है इसका हम तरीका के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इस विधि का अर्थ है तरीका। और दूसरा वाक्य है विधि ने ही संसार की रचना की है, रचनाकार है। विधि ने ही संसार, विधि ही संसार की रचनाकार। अरे हमने यहाँ वाक्य चेंज किया था तो उसके कारण हुआ विधि ही संसार की रचनाकार। विधि का अर्थ है ब्रह्मा, ब्रह्मा ही संसार के रचनाकार। ये पुराणों में लिखा गया है तो इसीलिए हम उसे सही मानते हैं। तो यहाँ विधि ब्रह्मा के लिए कहा गया। ब्रह्मा एक देवता है। ब्रह्मा कौन है? हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से एक बड़े देवता है और उन्होंने ही पृथ्वी का, दुनिया का निर्माण किया। अब हम चलते हैं घटना। घटना का दो अर्थ होता है, कम होना, जैसे सुना है आपने परीक्षा में नंबर घट गए, कम हो गए, और दूसरा है अचानक कुछ होना। अब बच्चों ये दुर्घटना और घटना भी अलग अलग होता है। अगर कुछ बुरा घटे तो हम उसे दुर्घटना कहते हैं, अगर कुछ बुरा घटे उसे दुर्घटना कहते हैं। लेकिन घटना का अर्थ होता है कि अचानक कुछ होना, तो जरूरी नहीं कि ये दुर्घटना के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, घटना का अर्थ दुर्घटना से नहीं, अचानक कुछ घट जाने से, कुछ हो जाने से को भी हम घटना कहते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर घटना दुर्घटना ही हो या बुरी घटना ही हो, कभी कभी सुखद घटना भी होती, अच्छी घटना भी घटती। पहला घटना कम होना, पहला क्या अर्थ है हम एक और बार फिर से बता देते हैं कि जब हम यहाँ पे शब्द का वाक्य बना रहे हैं ना कि अर्थ का। कुछ बच्चे परीक्षा में क्या करते हैं,
इसके अर्थ का वाक्य बना देते हैं। हमें शब्द का ही वाक्य बनाना, न कि अर्थ का। तो घटना का हम लोग बनाते हैं, पहला है कम होना और दूसरा अर्थ है अचानक कुछ होना। तो ख है हमारा घटना, इसका इसके दो अर्थ हुए। पहला तो पहला है नदी का पानी घटना शुरू हो गया है। बरसात जब खत्म हो जाती है तो पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका स्तर कम होने लगता है। तो कहेंगे नदी का पानी घटना शुरू हो गया है, कहा जाता है आम भाषा में बरसात के बाद नदियों का पानी कम होना शुरू होता है। तो यहाँ कम होने का अर्थ है घटना, नदी का पानी, नदी का पानी घटना शुरू हो गया तो ये घटना कम होने के लिए प्रयोग किया गया। तो बच्चों ये घटना जो लिखा गया है वो कम होने के लिए, स्तर पानी का जो स्तर होता है उसको लेवल आप लोग बोलते हो, वो धीरे धीरे जब बरसात खत्म होती है नदियों का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है तो उसको घटना कहते हैं। तो इस घटने का अर्थ है कम होना। अब दूसरा है कि अचानक कुछ होना। अचानक कैसे कुछ होता है? मैंने कहा कि हमेशा दुर्घटना ही नहीं बताएंगे, वाक्य जो बनाएंगे पता चला आप दुर्घटना के बारे में। घटना सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है। अगर दुखद होती है, बुरी होती है तो हम दुर्घटना कहते हैं। तो घटना का वाक्य बनाते हैं, बरसात में पेड़ गिरने की घटना मुझे याद है। बरसात में पेड़ गिरने की घटना मुझे याद है। ये है घटना, ये आकस्मिक अचानक कुछ हो जाना, अचानक कुछ हो जाना। आपने भी अनुभव किया होगा कभी कभी बरसात में पेड़ गिर जाते हैं, डालियां टूट जाती हैं, तो ये घटना। तो फिर से घटना के दो अर्थ होते हैं, एक पहला है कम होना, दूसरा अचानक कुछ घटित होना। अचानक कुछ घटित होना या फिर हम कहेंगे कुछ होना, अचानक कुछ हो जाना घटना कहलाता है। हमारा ग है, एक और बचा है बच्चों वर्ण, एक और बचा हुआ है उसका अर्थ है वर्ण। वर्ण के दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से वर्ण? वह ध्वनि संकेत, वर्ण क्या है? ध्वनि संकेत, इन्हें हम लिखते हैं। वर्णों के भेद भी आपको पता है, हमने कराया था व्याकरण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, ये आपको याद आ रहा होगा। तो वर्ण का एक पहला अर्थ है अक्षर, अक्षर ज्ञान, वर्ण अक्षर क ख ग घ, और स्वर भी, स्वर भी वो वर्णों का ही भाग है, स्वर को नहीं बोलेंगे अ आ ई ई, स्वर भी वर्ण ही है। तो अक्षर हम कह सकते हैं, अक्षर। और दूसरा है जाति, वर्ण, जाति को भी बोला जाता है वर्ण। अब तो वर्ण का जो भेदभाव है मिट गया है, पहले समाज को
वर्णों में बांटा जाता था। आपने सुना होगा कि किसी को कहते थे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो समाज में पहले सभी लोगों को वर्णों में, तो वर्ण का अर्थ था जातियाँ, अलग अलग जाति। तो दो अर्थ हो गए, पहला हो गया अक्षर, वर्ण का एक हो गया अक्षर, वही ध्वनि संकेत जिसे लिखा जाता है, और दूसरा हो गया जाति। तो हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें वाक्य में तो वर्ण आए लेकिन अर्थ पहले वाले वाक्य में अक्षर का आना चाहिए और दूसरे वाले में जाति का आना चाहिए। तो पहला वाक्य हम बनाएंगे, उसमें अर्थ जो होगा वो होगा अक्षर का, वर्णों का। आपको पता है वर्णों के हमने वेद करवाए थे, वर्णों की परिभाषा तक लिखवाई थी आपको। तो एक वर्ण हो गया और दूसरा जाति के लिए। दूसरा वाक्य जो बनाएंगे उसमें वर्ण को हम जाति के लिए बोलेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। तो वर्ण है ग, ग है वर्ण। दो वाक्य बनाने हैं, तो पहला है बनाते हैं, मुझे वर्ण की परिभाषा याद है। अब तो वर्ण की बात किया हमने, आपको ग्रामर के बुक में वर्णों की परिभाषा भी करवाई थी, आपको याद होगा। मई के महीने में हम जब व्याकरण कर रहे थे तो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी। तो यही लिख देते हैं, हमें वाक्य से चाहिए, वाक्य छोटा हो, सरल हो, लिखने में आसान हो और स्पष्ट संदेश देता। हमारा यहाँ पे स्पष्ट क्या है, हमें यहाँ पे अक्षर के लिए वर्ण का प्रयोग करना है, अक्षर के लिए। तो हम तब सफल होंगे जब हम वर्ण का अक्षर के तौर पर वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, वही लिख देते हैं, मुझे वर्ण की परिभाषा का, मुझे वर्ण की परिभाषा या ये तो हमारा वर्ण, ये वर्ण है अक्षर के लिए। किसके लिए बच्चों? अक्षर के लिए। अब दूसरा वर्ण है जाति के लिए, हमें किसके लिए लिखना है? जाति के लिए। मैंने आपको बताया था पहले समाज को जातियों में बांटा, अभी भी कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बड़ा वर्णों का, जातियों का बड़ा भेदभाव अभी भी बना हुआ है। तो ये नहीं मानना चाहिए, लेकिन वाक्य बनाने में हम तो लिखेंगे क्योंकि जाति के बारे में पूछा। लिख देते हैं, समाज, समाज, समाज वर्ण भी बढ़ा है, तो यहां वर्ण का अर्थ है बच्चों भिन्न भिन्न जातियां। लोगों को जातियों में बांटा गया था, इसको अब तो लोग बहुत कम मानते हैं, लेकिन कभी भी आप सुनेंगे कई कई क्षेत्रों में होता है, ऐसी बात नहीं, सभी इंसान एक समान होते हैं, सबको मिलजुल कर साथ रहना चाहिए और कोई जाति बड़ी या ऊंची नहीं होती, कोई छोटी या नीची नहीं होती, ये हमें समझ के रखना। तो बच्चों आज हमने किया अपने पांचवा और छठा प्रश्न हमने कर रखा है, इसको आपको बुक में ही करना है। क्यों? क्योंकि जगह दिया हुआ है और ये वर्कशीट की तरह हम इसको कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न में जगह नहीं होता है तो हम उसको नोटबुक में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह दिया हुआ है।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपने इसके अन्य जो प्रश्न बचे हैं उनको हल करेंगे। आज के लिए इतना ही।